हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हैमिंग कोड का एग्जांपल देखेंगे। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, डिटरमाइन विच बिट इज इन एरर इन द इवन पैरिटी हैमिंग कोडेड कैरेक्टर इज दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी है मेंशन कर दिया जाएगा और हैमिंग कोड का कैरेक्टर दिया रहेगा। तो पहले आपको बिट लोकेशन टेबल बनाना है। तो क्या है बिट लोकेशन टेबल, विद द स्ट्रक्चर ऑफ हैमिंग कोड आपको गिवन डेटा इन द रिक्वायर्ड पोजीशन फिल करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हैमिंग कोड क्या है, P1, P2, D3, P4, D5, D6 एंड D7, और वो वैल्यू क्या क्या है, 111, 0011। ठीक है, अब ये तो स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में एरर डिटेक्ट करेंगे। एरर डिटेक्ट कहाँ कहाँ पे करेंगे, फॉर द पैरिटी बिट। कौन कौन से पैरिटी बिट के लिए, P1, P2 एंड P4। तो पहले हम लोग एरर डिटेक्ट करेंगे P1। तो P1 पैरिटी बिट चेक्स फॉर 1357 पोजीशन। तो आप फिर से ये स्ट्रक्चर को लिख दीजिए, मतलब जो डेटा गिवन है हैमिंग कोड कैरेक्टर इन द क्वेश्चन उसको आप लिख दीजिए और उसके पोजीशंस भी लिख दीजिए। तो P1 क्या क्या चेक कर रहा है, 1, 3, 5 एंड 7। तो अगर आप 1, 3, 5 एंड 7 देख रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 1 है, सॉरी 1, 2, 3, 1 है, 3 नंबर ऑफ 1s हैं, राइट। जब हम लोग P1 के लिए चेक कर रहे हैं इन द पोजीशन 1, 3, 5, 1, हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिला है, 1, 1, 0, 1। इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 1 है, तो नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड हो गया ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इवन पैरिटी बिट चेकिंग। तो अगर ये आपको ऑड नंबर ऑफ 1 मिलता है मतलब एरर है, तो ऑड नंबर ऑफ 1 सो एरर एग्जिस्ट, दैट इज ऑड पैरिटी हो गया। इसीलिए जब भी आपके पास एरर आता है या फिर ऑड पैरिटी आता है तो आप उसको P1 = 1 लिखिए। क्यों P1 = 1, मतलब अगर 1 एक्स्ट्रा रहता तो इवन पैरिटी हो जाता ना। इसीलिए हम लोग जब एरर आ रहा है या फिर ऑड पैरिटी हो रहा है वहां पे P1 = 1 लिखेंगे। फॉर P2 पैरिटी बिट चेक, कौन कौन सा पोजीशन, 2, 3, 6, 7। ठीक है, तो फिर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 2, 3 एंड 6, 7। तो 2, 3, 6, 7 में हम लोग को डेटा क्या मिला, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 है इसलिए नो एरर, तो इवन पैरिटी और P2 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग को और कोई 1 चाहिए ही नहीं उसको इवन बनाने के लिए, इसीलिए 0। फिर P4 के लिए 4, 5, 6, 7 है, 4, 5, 6, 7, तो डेटा क्या है, 1, 1, 0, 0, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ 1 है, तो अगेन इवन पैरिटी एंड P4 वैल्यू इज 0। अब ये तो क्लियर है, ठीक है। तो टोटल हम लोग को तीनों पैरिटी के हिसाब से क्या वैल्यू मिला है, P1 में एरर है तो 1, P2 में नहीं एरर है तो 0, P4 में नहीं एरर है तो 0। तो हम लोग को एरर कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, P1 में, क्योंकि P1 का वैल्यू = 0 नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, एरर को करेक्ट करेंगे। तो एरर वर्ड क्या है हमारा, ये आप तीनों P1, P2 एंड P4 के वैल्यू को कंबाइन करके लिखिए। ठीक है, तो P1 इज 1, P2 इज 0 एंड P4 इज 0। तो ये जो 001 वैल्यू है इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब आपको जो एरर वर्ड बाय कलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ईच पैरिटी एंड कन्वर्टिंग इट टू डेसिमल, जो भी वैल्यू आपको मिला उसी पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपका एरर है। इट सेज दैट बिट पोजीशन 1 इज एन एरर। ठीक है, तो जो भी पोजीशन आपका एरर में है आप उसी पोजीशन के डेटा को करेक्ट कीजिए। किस तरह से करेक्ट करेंगे, उस पोजीशन में आपका गिवन क्वेश्चन में जो कैरेक्टर दिया है या फिर जो डेटा दिया है उसको आप अल्टरनेट कर दीजिए या फिर इन्वर्स कर दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1th पोजीशन में क्या डेटा था, 1, तो हम लोग को पता चला कि 1 पोजीशन में एरर है तो हम लोग 1th पोजीशन का डेटा को अल्टरनेट करके 0 बना देंगे। सो इन्वर्ट द बिट 1th पोजीशन वैल्यू फ्रॉम 1 to 0। तो अभी ये हो गया हमारा डेटा विदाउट एरर। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप हैमिंग कोड को सॉल्व कर सकते हैं।